देखिए, आगामी 28 मई को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित करके भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहे हैं। नया संसद भवन भारत के लोकतांत्रिक संकल्प के साथ साथ 140 करोड़ भारतीयों के स्वाभिमान और उनकी आकांक्षाओं की भी अभिव्यक्ति है। संसद भवन का उद्घाटन एक ऐतिहासिक अवसर है जो अब 21वीं सदी में दोबारा नहीं आने वाला है, और इस शुभ अवसर पर संसद या राष्ट्रपति को विवाद में लाने से किसी को भी बचना चाहिए। तकनीकी दृष्टि से यह संसद का कोई सत्र नहीं बुलाया गया है, यह तो संसद भवन के उद्घाटन का समारोह है। अतः हमें संवैधानिक सत्र और सार्वजनिक समारोह का अंतर समझना चाहिए। राजनीतिक विरोध के अनेक अवसर आते जाते रहेंगे, और मैं यही आग्रह करूंगा कि जिन दलों ने समारोह के बहिष्कार का निर्णय लिया है, वे अपने फैसले पर राजनीतिक लाभ हानि से परे जाकर वह पुनर्विचार करें और इस समारोह में भाग लेकर ऐतिहासिक क्षण के वह साक्षी बने। मैं यही अपील करना चाहूंगा।